हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर यू। तो आजकल के एनवायरनमेंट में पोल्यूशन, डस्ट इतना हो गया है, अपनी डाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो फेस पर एक्ने और पिंपल होना काफ़ी नॉर्मल बात हो चुकी है। हर कोई इन एक्ने पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए आज मैं फिर से एक एक्ने और पिंपल के लिए एक बेस्ट क्रीम का रिव्यू करूँगा। वैसे मैंने अपने चैनल पर पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हैं, अपलोड की हुई हैं एक्ने और पिंपल के लिए, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनसोल जेल की, और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस क्रीम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बात करें क्लिनसोल जेल आप किन प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, तो आपको एक्ने, पिंपल यानी कील, मुहासे की प्रॉब्लम है, अगर ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक बार आप डॉक्टर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें अपन इसके कंटेंट, तो इसके दो कंटेंट है बेसिकली। पहला है क्लिंडामाइसिन, दूसरा है निकोटिनामाइड। दोनों ही कंटेंट फेस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, एक्ने पिंपल के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और अगर बात करें क्लिंडामाइसिन क्या करता है, तो ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो बैक्टीरिया को किल करता है, और निकोटिनामाइड वो है B3 विटामिन का जो एक एक्टिव एजेंट है, और ये फेस पे रेडनेस होने से बचाता है। तो काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं, और ये क्रीम आप देख सकते हैं लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाई और बेची जाती है। हाउ टू यूज़ की बात करें कि क्लिनसोल जेल को अपन यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप इस क्रीम को दिन में एक बार यूज़ करेंगे, और अगर आपने नाइट में यूज़ किया तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। और इसे यूज़ करने से पहले आप अपने फेस को एक अच्छे फेस वॉश से वॉश करें। आप फेस वॉश अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ओल्ड काइंड टाइप ऑफ स्किन फेस वॉश भी ले सकते हैं। मैंने वीडियो काफ़ी बना रखी है फेस वॉश पे, आप चाहें तो फेस वॉश की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर इसको यूज़ करते टाइम या यूज़ करने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है, जैसे फेस पे ड्राइनेस हो जाना या फिर रेडनेस का होना, तो आप इस क्रीम को या जेल को स्किप कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरी लगा सकते हैं, या सबसे बेस्ट है आप कोई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें इसके पैकिंग की, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल सी पैकिंग है, जैसी क्रीम या जेल की पैकिंग होती है। सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे लिखी हुई है, जेल के ट्यूब पे भी लिखी हुई है। और इस जेल को यूज़ करते टाइम आपको काफ़ी स्मॉल या थोड़ी सी क्वांटिटी ही यूज़ करनी है, और डायरेक्ट एक्ने पिंपल पर अप्लाई करना है नाइट में। अगर बात करें क्लिनसोल जेल के प्राइस की, तो लीफोर्ड कंपनी की है तो सस्ती होगी ही, 80 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाएगी, जो कि 15 ग्राम के पैक में आती है। और आप इस क्लिनसोल जेल को कोई भी नियर बाई छोटे बड़े मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप 1mg या फार्मेजी से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप ये आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।